84 सिख दंगों के आरोपियों को हो मौत की सजा। लोंगोवाल। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल ने 1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को सुनाई गई उम्र कैद की सजा के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 1984 सिख दंगा मामले के सभी आरोपियों को मौत की सजा होनी चाहिए। सो अज जो सज्जन कुमार नू उम्र कैद की गई है, मैं इसका बहुत स्वागत करदा कि सानू न्याय प्रणाली ते हुण आस बजी है और जिसलिए ही 34 साल तो सारी सिख कौम जो पीड़ित परिवार सी और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारी सिख जथेबंदियां बड़ी जद्दोजहद जिहड़ियां सी कर रही सी, मैं समझदा अज जो ये न्याय मिले भावें अजे समझना अधूरा हैगा क्योंकि मैं समझदा कि उन्होंने फांसी की सज़ा होनी चाहिए क्योंकि सिखां दा हज़ारां दा कतलेआम जिहड़ा दिल्ली दे विच होया है उहदे मुख दोषी सज्जन कुमार सी जिन्हां ने उस सारे मूव की अगवाई की सी हज़ारां सिखां नूं मरवाया सी। मैं समझदा कि उहनूं जिहड़ी है फांसी की जिहड़ी है सज़ा होनी चाहीदी। चलो फिर भी देर आए दुरुस्त आए जो इहदे नाल कुछ ना कुछ उहनां पीड़ित परिवारां नूं भी राहत मिलेगी और मैं समझदा कोई सिख कौम ने भी जिहड़ा है एड्डी जद्दोजहद की है वह भी सारे अज इहदा स्वागत करनगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, असीं चाहुंदे आ कि दूजे जिहड़े दोषी ने कमलनाथ ने भावें जगदीश टाइटल है जिहड़े सज्जन कुमार वांग उन्होंने भी वह सारी मूव की अगवाई करके हज़ारा सिखा का कतलेआम का जिहड़ा दोष है उन्हां उत्ते लग रहा है। मैं समझदा बहुत ही अफसोस की गल है कि कांग्रेस पार्टी जिहड़ी उहनूं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये सिखां दे जख्मां दे उत्ते इक लूण छिड़कण वाली जिहड़ी है ये कांग्रेस काम करी है। इत्थों प्रसिद्ध हुंदा है कि कांग्रेस पार्टी सिखां दी दुश्मन जमात है क्योंकि उन्हां दे समें विच ना किसी नूं सज़ा मिली है दोषी नूं, अज जे सज़ा मिली है तां भारतीय जनता पार्टी दे राज दे विच मिली है उस न्याय प्रणाली ने जिहड़ा है न्याय कीता साडे नाल और मैं समझदा इह इहदू भी सख्त तों सख्त सज़ा जिहड़ी कमलनाथ नूं भी मिलनी चाहीदी है और जगदीश टाइटल नूं मिलनी चाहीदी है। इहनां नूं फांसी दी सज़ा होनी चाहीदी।